झारखंड राज्य का खुला विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र का उद्घाटन महुदा विद्यालय में। झारखंड राज्य में खुला विश्वविद्यालय की सपना हुई साकार, डॉक्टर प्रेम सागर केसरी ने कही। धनबाद के महुदा महाविद्यालय महुदा के प्रांगण में बुधवार को एक समारोह आयोजित कर झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित विश्वविद्यालय के समन्वयक डॉक्टर प्रेम सागर केसरी, विकास मौर्या, जीप अध्यक्ष शारदा सिंह एवं विधायक प्रतिनिधि धनेश्वर महतो के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए खुला विश्वविद्यालय के राज समन्वयक डॉक्टर प्रेम सागर केसरी ने कहा, महुदा में खुला विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र खुलने से यहाँ के विद्यार्थी काफी लाभान्वित होंगे। यहाँ के गरीब छात्र छात्राएं किसी कारण से पढ़ाई छोड़ चुके हैं और अर्ध बेरोजगार हैं, उनका पढ़ाई बाधित हो गया है, वैसे छात्रों को लाभ मिलेगा। यह अध्ययन केंद्र धनबाद जिला का प्रथम केंद्र है। वर्तमान में 27 डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट एवं पीजी डिप्लोमा का पढ़ाई होगा। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि महुदा विश्वविद्यालय महुदा महाविद्यालय में खुला विश्वविद्यालय खुलने से महुदा के लिए गर्व की बात है। आने वाले समय में यह मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। विशिष्ट अतिथि समन्वयक विकास मौर्य ने कहा कि यह विद्यालय के पाठ्यक्रम रोजगार निमित्त शॉर्ट टर्म को शीर्ष हैं, जो बच्चों के अंदर कुशाग्रता एवं कौशलता प्रदान करेगा। बहुत बड़ा हमारे महुदा के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी खुल रहा है, क्योंकि महिलाएं बहुत सारी हैं जिनका शादी की वजह से हो कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, पर इच्छा रह गया कि उन्हें पढ़ना है। बेटियों को लोग दूर जाने की वजह से धनबाद भेजने या बोकारो भेजने की वजह से नहीं पढ़ा पाए, उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है जो यहाँ खुला है महुदा कॉलेज में। हम लोग गर्व की बात है कि अब सब अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हैं, चाहे वो घर के काम के बाद भी अपनी पढ़ाई करना चाहें तो कंटिन्यू कर सकती हैं। जिनको बताया इन लोगों ने कि जो जॉब में हैं और आगे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का बात है कि महुदा कॉलेज में ये अवसर हम लोग महुदा वासियों को मिला है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण के लोग आएँ, इसका फ़ायदा उठाएँ और अपने आप को शिक्षित बनाएँ। धन्यवाद। मैं झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे साथ विकास मौर्या जी कोऑर्डिनेटर के रूप में उपस्थित हैं। आज हम लोग महुदा कॉलेज महुदा में ये ओपन यूनिवर्सिटी का एक सेंटर उद्घाटन के उपलक्ष में यहाँ उपलब्ध हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि झारखंड में भी अपना एक खुला विश्वविद्यालय की परिकल्पना शुरू से देखी जा रही थी, अब वो परिकल्पना साकार हो गया है। माननीय राज्यपाल के जी के द्वारा, कर कमलों के द्वारा ये ओपन यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन उद्घाटन राजभवन से ही हुआ था। उसके बाद सुदेश महतो जी का सिल्ली में कार्यक्रम में ये ऑनलाइन उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालय में, विभिन्न कॉलेज में ये सेंटर खुल रहा है, ताकि दूर दराज के बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो किसी कारण से पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, वैसे वंचितों के लिए ये ओपन यूनिवर्सिटी जो परिकल्पना सरकार की थी वो अब साकार हो गया है। इस क्षेत्र इसके द्वारा, इस खुला विश्वविद्यालय के द्वारा गरीब से गरीब असहाय लोग भी अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब में है या पार्ट टाइम महिलाएं कहीं काम करती हैं या किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये दूरस्थ शिक्षा का माध्यम के द्वारा वो हायर एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये विश्वविद्यालय के सारे कोर्स अब इसमें आने जा रहे हैं। अभी इसमें सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और पीजी डिप्लोमा कोर्स के द्वारा यह शुरू किया गया है, और तत्पश्चात ये कुछ ही दिनों में आपके बीच ये बहुत ही भव्य रूप लेकर के आने जा रहा है। इसका लाभ सभी ग्रामीण क्षेत्र को के बीच उठे, ऐसा मैं आपके पत्रकार और मीडिया से मैं अपेक्षा करूँगा कि इसको अन्य सभी जगहों से पहुँचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका सेंटर हमारा झारखंड में ही खुलेगा। झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये राज्यपाल के द्वारा पे उनको वीसी महोदय को चिट्ठी गई है, और वीसी महोदय के द्वारा पूरे झारखंड के सभी कॉलेजों में, जो डिग्री कॉलेज है, सभी जगह पे एक चिट्ठी गई है कि आप अपने यहाँ सेंटर खोलें। तो ये झारखंड में ही रहेगा, लेकिन भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सेंटर झारखंड से बाहर नहीं खुलेगा। जानकारी वहाँ दें।